नमस्कार, स्वागत है आपका इनिफ्लाई न्यूज में। मैं हूं आनंद गोस्वामी। केंद्र की मोदी सरकार और पश्चिम बंगाल में दीदी सरकार का विरोधिता ही इस बार अहम मुद्दा है पश्चिम बंगाल कांग्रेस और वामफ्रंट के लिए। देश में बढ़ रहे बेरोजगारी और बदहाली का विरोध करते हुए उत्तर कोलकाता के कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप भट्टाचार्य मैदान में उतरे हैं। गांधी जी को अपना आदर्श मानकर कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप भट्टाचार्य अपना चुनावी रणनीति तय करेंगे। दुर्नीति के खिलाफ इस लड़ाई में वामफ्रंट भी कांग्रेस को समर्थन दे रहा है। हम बारी बारी से आपको दिखाएंगे वामफ्रंट की विमान बोस, कांग्रेस के प्रत्याशी प्रदीप भट्टाचार्य और कांग्रेस पार्षद संतोष पाठक ने क्या कुछ कहा है, देखिए ये रिपोर्ट। अच्छी गांधी जी स्थिति श्रद्धा निवेदन करे यात्रा शुरू कर। हाँ, ये बराबर ही होता है। इस बार चुनाव है, उस चुनाव में तीन कैंडिडेट खड़े हैं, एक का इतिहास है साइकिल चोरी से लेके और उड़ीसा का जेल तक का, एक के पीछे ईडी लगा हुआ है। ये कैंडिडेट जो हैं पूरे पाक साफ हैं, इनके ऊपर कोई ब्लैक स्पॉट नहीं है। इसलिए जनता से अपील है कि जनता जो है वो कांग्रेस उम्मीदवार जो वामफ्रंट समर्थित है उसको वोट दे। हम लोग इंडिया अलायंस के जो जोट के पार्टनर हैं, उस पार्टनर में वामपंथियों के साथ पश्चिम बंगाल में एक जोट किए हैं। ये जो जोट है वो दुर्नीति के खिलाफ, अनैतिकता के खिलाफ, ममता बनर्जी की जो यहाँ दुर्नीति चारों तरफ है, ये एक पहला पार्टी। पहले पार्टियों में कुछ चोर हुआ करते थे, लेकिन आज एक पैसी पार्टी है जो चोर की पार्टी ही हो गई है, उसका नाम तृणमूल कांग्रेस है। आम जनता के लिए पूरे भारत में भाईचारा का एक मिसाल तैयार हो और एक धर्म के विरुद्ध, धर्म को लेकर जो ये पार्टी जो वो राजनीति कर रही है, इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं और पूरे भारत में शांति बहाल रहे, हम लोग यही चाहते हैं। तो बढ़िया सरकार चाहिए जो कि बेरोजगारी के लिए और महंगाई के लिए अच्छी तरह से लोगों का जो महंगाई जितना बढ़ गया है कि लोग खाने नहीं सक रहे, 50 रुपये से नीचे कोई चावल नहीं है, 150 रुपया दाल हो गया है, कोई नौकरी चाकरी नहीं है, लड़के ग्रेजुएशन हो करके 8000 रुपया का नौकरी भी नहीं मिल रहा है। इतना महंगाई से तंग हो गया आदमी, खाली राम मंदिर और ये बाबरी मस्जिद करने से नहीं होगा, हिंदू मुसलमान करने से भी नहीं होगा। मेरा मानना है कि केजरीवाल ने अन्ना जी को सामने लाके पूरे करप्शन के विरोध में पूरा देश को जगाने का काम किया अन्ना हजारे के नेतृत्व। लेकिन आज सबसे बड़ी दुख की बात है, जो करप्शन की बात करता था वो करप्शन में खुद आज घिर गया। तब केजरीवाल को उसका मुकाबला करना चाहिए और करप्शन अगर उनके ऊपर नहीं है तो उनको साबित करना चाहिए कोर्ट के अंदर। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इनिफ्लाई न्यूज़। मिलेंगे अगली खबर में।